नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों PS1 यानी कि पोनियन सेल्वल का ट्रेलर कल 6 बजे रिलीज होने वाला था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट यही की गई थी कि 6 बजे ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन चूंकि प्री रिलीज इवेंट चल रही थी और उसमें साउथ के काफी नामी गिरामी स्टार शामिल हुए थे, तो दोस्तों काफी बड़ी ये इवेंट थी, उसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। उसके बाद में टाइम डिक्लेयर किया गया कि 9 बजे ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन 9 बजे भी नहीं हुआ। आखिरकार दोस्तों इंतजार की घड़िया समाप्त हुई रात को 11 बजे, करीब 11 बजे के आसपास इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि ये कोई ट्रेलर रिलीज करने का टाइम नहीं होता है। एक्चुअली दोस्तों इतनी लेट अगर आप ट्रेलर रिलीज करते हो तो आपको यूट्यूब पर व्यूज बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ये समय सभी के सोने का होता है। और उस समय उन्होंने ट्रेलर जारी किया और उसका परिणाम भी देखने को मिलता है कि व्यूज बहुत कम हासिल हुए, जितने व्यूज की उम्मीद थी उतने व्यूज हासिल नहीं हुए। हालांकि आज लोग इसे देखेंगे, लेकिन फिर भी ये कोई टाइम नहीं होता है ट्रेलर रिलीज करने का। तो मैंने भी सोचा कि अब इसका रिव्यू सुबह ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों उस समय एक तो एशिया कप का मैच चल रहा था, भारत श्रीलंका का करो मरो का मैच था, लेकिन भारतीय टीम संघर्ष करते करते आखिरकार हार गई, तो वैसे भी दिमाग ऑफ हो गया था, मूड खराब हो गया था पूरा। और फिर बाद में मैंने सोचा कि इस समय रात को रिव्यू करने से कोई मतलब भी नहीं है, सभी लोग सो चुके होंगे इस समय, तो मैंने सोचा सुबह ही इसका रिव्यू करेंगे, तो सुबह आपके सामने मैं रिव्यू लेकर के हाजिर हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत बड़े बजट की फिल्म है, 500 करोड़ इसका बजट है और मणिरत्नम सर का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। करीब 5-7 वर्षों से इसके ऊपर वो मेहनत कर रहे थे। 1955 में कल्कि कृष्णमूर्ति ने एक उपन्यास लिखा था इसी नाम से, पोनियन सेल्वन के नाम से, और उसी पर आधारित यह फिल्म है। चोला साम्राज्य जो कि करीब 1000 वर्ष पहले मतलब 10वीं शताब्दी की कहानी से, ट्रेलर में बताया भी गया है किस प्रकार से आसमान में एक धूमकेतु दिखाई देता है और उसका ज्योतिषीय जो गणना की जाती है उससे अर्थ निकलता है कि जो चोला साम्राज्य का उदय हो रहा है उसमें किसी को संघर्ष करने की आवश्यकता है, किसी को सेक्रीफाइस करने की आवश्यकता है। तो किस प्रकार से फिर उस चोला राजवंश में संघर्ष देखने को मिलता है राजगद्दी हासिल करने के लिए, उसके बारे में ये फिल्म है। तो एक पीरियड मूवी है और काफी बड़े स्केल पर इसको बनाया जा रहा है। 3 पार्ट में बनाए जाने की इसकी संभावना है। पहला पार्ट इसका रिलीज हो चुका है, मतलब 30 सितंबर को रिलीज होगा, ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। तो जहां तक ट्रेलर की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सभी कलाकारों का इस ट्रेलर में, मुख्य रूप से जितने भी मुख्य कलाकार है उनका एक तरह से परिचय कराया गया, इंट्रोडक्शन कराया गया और उनका एक एक डायलॉग भी दिखाया गया है, चाहे वो चिन्नाय विक्रम हो या आपका जो कार्ति हो और त्रिशा हो या रवि राम राजू हो, जो भी हो, जयराम रवि हो, सबका मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया गया। ऐश्वर्या राय बच्चन का भी नंदिनी, राजकुमारी नंदिनी के रोल में है, तो उनका भी एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। तो इंट्रोडक्शन तो काफी बेहतर बन पड़ा है। चिन्नाय विक्रम जिस प्रकार से उनको इंट्रोड्यूस किया गया और जिस प्रकार से उनकी डायलॉग डिलीवरी है, राजकुमार आदित्य के, महाराजा आदित्य के रोल में वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो काफी प्रभावशाली नजर आ रहे हैं। डायलॉग भी, डिलीवरी भी उनकी अच्छी नजर आ रही है। और बाकी जो कार्ति है, त्रिशा है, जयराम रवि है, उनका भी लुक और डायलॉग बहुत ही बेहतरीन है। त्रिशा भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत भी लग रही है और डायलॉग डिलीवरी भी उनकी बहुत ही अच्छी है। ऐश्वर्या राय बच्चन के तो कहने ही क्या है, ऐश्वर्या राय बच्चन तो आप जानते हैं कि एक्टिंग के में तो बहुत ही लाजवाब रहती है हमेशा, और यहाँ पे लुक वाइज भी वो राजकुमारी के रोल में बहुत ही खूबसूरती से उनको पेश किया गया है फिल्म में। तो पहले कलाकारों का इंट्रोडक्शन दिया गया, बीच बीच में कुछ एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं तो वो भी बहुत ही बेहतरीन बने हुए हैं। बहुत लार्ज स्केल पर इस फिल्म को बनाया गया है, इसके सेट्स है वो आपको ट्रेलर में नजर आते हैं, कितने भव्य सेट्स है इसके अंदर। साथ ही दोस्तों जो विजुअलाइजेशन आप देखते हैं, जो VFX का इस्तेमाल इसमें किया गया है, एक जहाज वाला सीन भी है, बहुत ही बेहतरीन VFX उसमें नजर आते हैं। साथ ही दोस्तों जो पुल वाला सीन है वो भी जबरदस्त है। इसके अलावा जो हाथी वाला जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है वो भी बहुत जबरदस्त है, पानी के अंदर एक एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है। तो सारे एक्शन सीक्वेंसेस बहुत बेहतरीन तरीके से फिल्माए गए हैं और VFX का बहुत अच्छी तरीके से इसमें इस्तेमाल किया गया है। BGM बहुत बेहतरीन है, BGM जबरदस्त है इसका, और AR रहमान का म्यूजिक है तो ये भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। 2 गाने इसके रिलीज किए जा चुके हैं और दोनों ही बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे गए हैं और काफी अच्छी तरीके से गाए भी गए हैं। AR रहमान और मणिरत्नम सर मिलते हैं तो फिर हिस्ट्री क्रिएट होती ही है, तो यहाँ पर भी शानदार म्यूजिक आपको देखने को मिलने वाला है। तो ट्रेलर काफी अच्छा है और ट्रेलर से पता चल रहा है कि ये फिल्म काफी अलग होने वाली है, पीरियड मूवी है और कुछ कुछ इसकी तुलना बाहुबली से भी की जाएगी, क्योंकि बाहुबली भी एक ऐसी ही मूवी थी, तो कुछ कुछ इसका स्केल ऐसा भी लग रहा है, लार्ज स्केल लग रहा है, तो कई जगह उसकी भी आपको याद दिलाएगी। अब किस तरीके से ये फिल्म की पूरी स्टोरी होगी इसके बारे में तो ज्यादा पता नहीं चलता है ट्रेलर देखने से, लेकिन इतना तय जरूर है कि फिल्म काफी मनोरंजक होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग फिल्म होने वाली है, मजा आने वाला है इस फिल्म को देख करके, इसमें तो कोई डाउट नहीं लग रहा है। और सभी कलाकारों का लुक और सभी कलाकारों का जो अभिनय है वो भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, डायरेक्शन भी यहाँ कमाल का लग रहा है,
और सबसे बड़ी बात है कि विजुअलाइजेशन और VFX का जो इस्तेमाल है, जो सेट्स बनाए गए हैं वो बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं ट्रेलर के अंदर। तो दोस्तों एक चीज थोड़ी सी मुझे इसमें कमी लगी कि जो डबिंग की गई है हिंदी में वो थोड़ी सी मुझे कमजोर लगी, थोड़ी डबिंग पे और मेहनत की जा सकती थी तो डबिंग और बेहतरीन बन सकती थी। लेकिन जो भी हो कुल मिलाकर के ट्रेलर काफी अच्छा है और ये फिल्म कम से कम साउथ में तो कई नए रिकॉर्ड्स बनाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा। अभी हिंदी वर्जन में इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 30 तारीख को इसके सामने विक्रम वेदा भी बड़ी फिल्म है, 175 करोड़ बजट है उसका भी, ऋतिक रोशन से सैफ अली खान जैसे स्टार है, तो उस फिल्म के सामने इसका क्लेश होगा। तो तब देखना पड़ेगा कि कौन सी फिल्म किसको मात देती है, लेकिन साउथ में तो ये फिल्म काफी आगे रहेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों मुझे तो ट्रेलर काफी अच्छा लगा कुल मिलाकर के, और मैं इसको 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 देना चाहूंगा रेटिंग। और अगर आपने ये ट्रेलर देखा है तो आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।